हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं बताऊंगा इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं और काइनवास्ट एप्लीकेशन का, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, डन कर देना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको फुल साइज कर देना है। लास्ट पॉइंट पे आना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है। वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 2.8 तक का आपका सीन चाहिए, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज कर देना है। अब फिर से हमें वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका वीडियो देख सकते कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराएंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का स्टार्ट हो गया हुआ है। तो यहाँ पे 5.0 पे आना है। फिर से हमें ओरिजिनल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें 0.5 के पार्ट 5 पर लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, इसे हमको इस जगह पर लेकर आ जाना है। तो अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज कर देना है। तो आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।